यहीं तो रख गए थे, कहाँ गए? असलम, असलम, असलम! अरे मानी, बेटा अब्बा कहाँ है? अब्बू तो सुबह सुबह चले गए थे। सुबह सुबह चले गए? नाश्ता भी नहीं किया, कहाँ गए? अम्मी, फीस का कुछ बना? हाँ बेटा, पैसे तो मिल गए। वो आज के दिन छुट्टी कर लो, कल ना मैं साथ जाऊंगी स्कूल। अरे जाऊंगी ना, कल फीस दे दूंगी सारी, हैं? अच्छा ठीक है। हाँ चलेगा, बताया भी कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो कल एक डॉक्टर साहब ये पैकेट मेरे रक्षे में भूल गए थे, ये वापस देने आया हूँ। यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर फरुख बात कर रहा हूँ। डॉक्टर फरुख नाम है उनका, ऑपरेशन भी करते हैं। ओ अच्छा, डॉक्टर फरुख। तो इस नाम का कोई और डॉक्टर भी है या? नहीं नहीं, बस वही है। तो ठीक है, फिर ये पैकेट आप उन्हें दे दीजिएगा। आप रुके। नहीं, वो मैंने अपना रक्षा ना नो पार्किंग में खड़ा किया हुआ है, तो पुलिस वाले उठा लेंगे, मैं उसे सही खड़ा करके आ रहा हूँ। अजीब आदमी है। हेलो डॉक्टर फरूख जी, कोई रक्षे वाला आपका एनवलप देके गया है, ब्राउन कलर का। नहीं भाई नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे मकान का आज किराया चाहिए, वरना मकान खाली करो। हे लियाकत भाई, मैं कह रही हूँ ना, पैसों का इंतजाम हो गया है, वो बस असलम आएगा तो मैं भेज दूंगी पैसों के साथ। हाँ एक महीना हो गया ये बातें सुनते सुनते। ले, आ गया ना असलम भी, अभी बताती हूँ। अरे असलम, आके इनको इनका किराया दे दो ना भाई, इतने दिन सबर किया इन्होंने, अब और इंतजार ना करवाओ ना भैया को। अब मजीद सबर नहीं होगा भैया, दो महीने का किराया तो तुम लोग का पहले ही है, तीसरे महीने का ये चढ़ गया है, अब मकान का किराया दे दो नहीं तो मकान खाली करो। लियाकत भाई, वो अरे ये वो क्या कर रहे हो, दे दो ना पैसे, खड़ों के बातें क्यों सुन रहे हैं? पैसे नहीं है मेरे पास। लो सुन लो। क्या मतलब पैसे नहीं है? कहाँ गए पैसे? वो मैंने ए, तुम दोनों मियां बीवी के तो बयान भी आपस में नहीं मिलते, एक अगर झूठ बोला करो तो कम से कम बयान तो एक रखा करो। लियाकत भाई मेरी बात सुने, बस एक हफ्ते का टाइम देते। एक दिन का भी टाइम नहीं दूंगा। लियाकत भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दे दें। मेरे हालात तो आपके सामने हैं, मैं फिर भी किसी भी तरह ना आपके किराए का बंदोबस्त कर। हालात? अरे हालात तो तुम्हारे कभी ठीक होंगे ही नहीं। मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देखें लियाकत भाई, एक हफ्ते का टाइम दे दें, मैं किसी भी तरह आपके किराए का बंदोबस्त कर लूँगा, बस एक हफ्ते का वक्त दे दें, और ये आखिरी मोहलत मांग रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है ठीक है, तुम पे एतबार करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन आखिरी बार एतबार कर रहा हूँ, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा किराया दे देना, वरना खामोशी से अपना सामान लेकर चले जाना, वरना मेरे बंदे आगे तुम्हारा सारा सामान उठा के बाहर फेंक देंगे।